तो दोस्त यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा पार्ट वन के किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आप लोग को एक सब्जेक्ट हो या दो सब्जेक्ट में, यदि आप लोग को प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है तो फ्रेंड्स यह आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पार्ट वन के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप लोग कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी आप लोग को किस प्रकार के बनाना है, कैसे बनाना है और किस प्रकार से आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी लिखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल लिखने का सही तरीका को लेकर बताएंगे जो कि आप लोगों का अच्छा नंबर गेन कर सकता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत में जाकर आप लोग वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि वीकेसी के यूनिवर्सिटी के हल पर की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। साथ में यदि आप लोग सोशल मीडिया ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से प्रोफेसर साइंस से जुड़ सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बता दें कि आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी कितना बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए ऑनर्स सब्सिडरी कंपोजिशन, तो यहाँ पे आप लोगों को तीन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन में आप लोगों का किसी भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बचा कितना, दो ऑनर्स और सब्सिडरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, इस पर हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट जो चूज किए हैं उसमें प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है तो फ्रेंड्स उस वीडियो को देख के आप लोग समझ सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी आप लोग को लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग समझिए कि कितना आप लोग को प्रैक्टिकल बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पांच सब्जेक्ट में से तो एक सब्जेक्ट आप लोग का चला गया और यहाँ पे ऑनर्स में आप लोग को दो पेपर, पेपर वन पेपर टू, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिकल यदि आप लोग सब्जेक्ट लिए हैं जैसे कि फिजिक्स लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, मैथ लिए हैं, बायोलॉजी लिए हैं, बॉटनी लिए हैं, तो इस प्रकार के आप लोग को जितना भी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाला यदि आप लोग को ऑनर्स के रूप में है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को दो कॉपी बनाना होगा, पेपर वन के लिए अलग, पेपर टू के लिए अलग। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सब्सिडरी, सब्सिडरी में भी आप लोग को आप लोग का सब्सिडरी वन है, सब्सिडरी टू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग को दोनों सब्जेक्ट जो आप लोग का सब्सिडरी सब्जेक्ट है दोनों सब्जेक्ट आप लोग का प्रैक्टिकल के रूप में है, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे भी आप लोग का केमिस्ट्री है, तो फ्रेंड्स दोनों का आप लोग का बनाना होगा, सब्सिडरी का दोनों कॉपी बनाना होगा। तो इस क्रम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितना आप लोग का सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाला, उसके हिसाब से आप लोग को उतना सब्जेक्ट का कॉपी बनाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग समझ गए कि कितना आप लोग को प्रैक्टिकल के लिए कॉपी बनाना होगा, सभी के लिए अलग अलग एक कॉपी बनाना होगा। वह कॉपी किस प्रकार का रहेगा वह चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे आप लोग को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी आप स्टेशनरी दुकान में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि सर हमको प्रैक्टिकल कॉपी दे दीजिए, अपना सब्जेक्ट का नाम बोलिएगा, चाहे वो आप लोग को केमिस्ट्री हो या मैथ हो या फ्रेंड्स आप लोग को फिजिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इस प्रकार से आप अपना प्रैक्टिकल का नाम बोलिएगा, वो आप लोग को कॉपी जो है वो दे देगा। इस प्रकार का कॉपी लीजिएगा तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। या फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आप लोग को कॉस्टली भी मिलता है, जो कि क्लासमेट कराता है वो आप लोग को कॉस्टली मिलता है, तो इससे आप लोग डीप में भी लेना चाहते हैं तो वह भी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को मेंशन नहीं किया रहता है, तो अपने इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों को कॉपी ले लेना है। और इसमें आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि देखिए कॉपी ले लीजिएगा लेकिन यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कि जो एक पेज है वो आप लोग को सादा होना चाहिए, एक तरफ आप लोग को लाइनिंग वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार के आप लोग को कॉपी लेना है और इसे आप लोग भूलिएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों तरफ लाइनिंग वाला ले लेते हैं या दोनों तरफ सफ़ेद वाला ले लेते हैं, तो ऐसा गलत बात नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर एक तरफ लाइनिंग और एक तरफ सादा वाला प्रैक्टिकल कॉपी लेना है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं फिजिक्स का भी है, तो इसी प्रकार से आप लोग को ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को बता दें कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे ग्राफ की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाइएगा तो उसमें आप लोग को ग्राफ भी बनाना होता है, जैसे कि मैथ वाले में आता है, फिजिक्स वाले में भी कोई कोई में आता है। तो यदि आप लोग को ग्राफ चाहिए तो आप लोग अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेज आप लोग अलग से भी आता है, उसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आप लोग को कॉपी के लास्ट पेज आप लोग को दिया रहता है ग्राफ, तो वह आप लोग देख सकते हैं, या अलग से भी आप लोग एक दो ग्राफ पेज ले लीजिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। दो तीन रुपये में मिल जाता है आप लोग का ग्राफ पेज, ठीक है। और इसे आप लोग को क्या करना है कि देखिए ग्राफ जैसे बनाना है तो ग्राफ आप लोग को किस प्रकार से कहाँ पर सटना है, तो ग्राफ आप लोग को यहाँ पर सटना है, ठीक है। ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग चिपका दीजिएगा और उसके डिटेल जो है वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है।
तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को कॉपी संबंधित जानकारी मिल गई होगी। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पेन, पेन कौन कौन सा यूज करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू और ब्लैक ये दो पेन आप लोग यूज कीजिएगा। या फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि किरकिरी वाला पेन लेते हैं, तो अभी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू और ब्लैक ये आप लोग के लिए काफ़ी है, बेटर है, ठीक है, अच्छा नंबर लाने के लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को किस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए एक स्टूडेंट का यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल के जो भी आप लोग को डायग्राम बनाना है वो आप लोग यहाँ पर मैंशन कीजिएगा, व्हाइट वाला पेज पे आप लोग को मेंशन करना है, और जो आप लोग को लिखना होगा इस पे लिखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से एक स्टूडेंट ने लिखा है, यहाँ पे जो हेडिंग डालना है वो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू नंबर से इसके बारे में लिखे हैं, उसके बाद फिर हेडिंग डाले हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखे हैं, तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले और अच्छे से समझिए, यहाँ पर जब आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी खोलिएगा तो इस प्रकार के आएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोग को डेट मेंशन करना है जिस डेट पे आप लोग को बनाना है। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर आप लोग गिन लीजिएगा 1, 2, 3। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर या प्रैक्टिकल नंबर आप लोग को डालना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, प्रैक्टिकल नंबर 1 है या 2 है, वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है सिंपली। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में लिख देना है कि कौन सा आप लोग को एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को लिखना है और किस प्रकार से कहाँ से आप लोग को प्रैक्टिकल बनाना है उसके बारे में भी बताएंगे आगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, जो भी आप लोग को बनाना है वो आप लोग को यहाँ पर लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है। जो आप लोग लाइनिंग वाला है वहीं पर आप लोग को लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि देखिए डायग्राम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं और इसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं, तो इस प्रकार से भी आप लोग को गलती नहीं करना है। जो मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लिखिए और इसके बारे में हमको डायग्राम बनाना है, तो ये नहीं कि आप क्या कीजिएगा कि इसके बारे में डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम बना दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। जो आप लोग को डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे लिखे हैं, तो इसी के विपरीत पेज में आप लोग को व्हाइट पेज मिलेगा, उस पे आप लोग को डायग्राम बनाना है। और डायग्राम जो बनाना है वो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल यूज करना है, ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट कलम भी यूज कर लेते हैं, तो कलम आप लोग को यूज नहीं करना है, पेंसिल ही यूज करना है। इंडिकेट भी करना है तो देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से इंडिकेट किए हैं, इस प्रकार से आप लोग को इंडिकेट भी करना है। और जो आप लोग को लिखना भी है वो आप लोग पेंसिल से ही लिखिएगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे मिलता है कि इस प्रकार से चार्ट बनाना है, तो चार्ट के लिए आप लोग यहीं पे यूज कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि व्हाइट पेज पे इसको भी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग गलती भी नहीं कीजिएगा। यह आप लोग जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार के यदि आप लोग को प्रैक्टिकल में आ जाता है बनाने के लिए तो यहाँ पर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 22 है, उसके बारे में कौन सा प्रैक्टिकल है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, स्टार दे देके, तो इस प्रकार से आप लोग पॉइंट देके लिखिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पे भी बनाया गया, तो इस प्रकार से आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को किस प्रकार से कहाँ से आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगा, प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को क्या क्या करना होगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि जैसे कि आप लोग किसी भी स्टेशनरी दुकान में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि प्रैक्टिकल कॉपी और साथ में अपना जो भी बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी के लिए VKSU पार्ट 1 का प्रैक्टिकल दे दीजिए, तो वह आप लोग का प्रैक्टिकल का किताब दे देगा, एक पतला सा किताब रहेगा जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, या टारगेट के भी आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टारगेट का है, तो इस प्रकार से आप लोग VKSU लिखा रहेगा, VKSU केमिस्ट्री या प्रैक्टिकल फिजिक्स का, या फ्रेंड्स आप लोग केमिस्ट्री का जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है वो आप लोग वहाँ पे मांगेगा आप लोग का दे देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भूगोल का भी यहाँ पे प्रैक्टिकल का पार्ट 1 का दिया गया है, तो इस प्रकार का बुक लेकर और सिंपली आप लोग को 5 प्रैक्टिकल बना लेना है। यदि आप लोग का कॉलेज क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता है तो आप लोग को उसी में से किसी भी प्रैक्टिकल आप लोग को बना लेना है, और 1, 2, 3, 4, 5 ये आप लोग को सीरीज रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं कि किस प्रकार से आप लोग को कहाँ से प्रैक्टिकल बनाना है। प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को स्टेशनरी दुकान पर से बुक खरीदना होगा, जो भी आप लोग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आप लोग अपने स्टेशनरी दुकान पर से मांग के और अच्छे से आप लोग को जिस प्रकार से बताए हैं उसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो कॉपी में आप लोग को विधि है
अच्छा तरीका है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बसते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।